केदारनाथ देवाधिदेव महादेव दर्शन करके आज हम सफर करेंगे त्रेता युग में स्थापित एक प्राचीन मंदिर, जहाँ पे राजा हिमाबन के कन्या पार्वती जी के साथ देवाधिदेव महादेव के विवाह हुआ था। कहा जाता है इसी मंदिर में आके विवाह करने से, दर्शन पूजन करने से घर में हमेशा सुख शांति बिराजते हैं और धन संपत्ति प्राप्त होती है। इसी स्थान में भगवान विष्णु के नासिका से निकली सरस्वती कुंड के धारा रुद्रकुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्म कुंड के जल में स्नान करने से और इस जल को प्रसाद की तरह ग्रहण करने से मनुष्य का शरीर निरोग प्राप्त करते हैं। ये है तीनों योग के विजयी भगवान विष्णु के मंदिर त्रिजुगी नारायण। केदारनाथ धाम दर्शन के बाद आप कैसे त्रिजुगी नारायण दर्शन के लिए पहुंचोगे? त्रिजुगी नारायण दर्शन के लिए आपका कितना खर्चा होगा? मंदिर दर्शन के लिए आपका कितना समय लगेगा? मंदिर का हिस्ट्री क्या है? ऑल डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ ये वीडियो में वन बाई वन शेयर करने का कोशिश करूंगा। #चारधाम यात्रा, #त्रिजुगी नारायण, #केदारनाथ धाम। चलिए ये वर्चुअल टूर की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ आपका फ्रेंड सौरभ राज और आप देख रहे हो राइट राइडर्स। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर करें। त्रिजुगी नारायण मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। केदारनाथ से त्रिजुगी नारायण मंदिर की दूरी लगभग 13 किलोमीटर और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हरिद्वार से दूरी लगभग 240 किलोमीटर। हम हरिद्वार से पहले बांसद्वारा, पहले यमुनोत्री धाम, यमुनोत्री धाम से गंगोत्री धाम, गंगोत्री धाम से केदारनाथ धाम दर्शन करके आज 11 नंबर दिन आज हम दर्शन करने जाएंगे त्रिजुगी नारायण मंदिर। हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम है मॉर्निंग 6:30। कल रात को हमने केदारनाथ से गौरीकुंड होके सोनप्रयाग आ गया। केदारनाथ धाम से हम लोग 11:30 ट्रेक स्टार्ट किए थे, गौरीकुंड पहुंच गए थे 7 बजे। सोनप्रयाग में पहुंच के हम लोग स्टे किया था सोनप्रयाग का एक डॉर्मेटोरी हॉल घर में। देखिए, हम लोग कल रात को स्टे किए थे यहाँ पे, 300 रुपये करके बेड का चार्जेस। चार्जिंग पॉइंट है, सीसीटीवी कैमरा भी लगे है इधर। अभी हम सोनप्रयाग से चलेंगे त्रिजुगी नारायण। सोनप्रयाग से त्रिजुगी नारायण के डिस्टेंस है अप्रोक्स 12 किलोमीटर। यहाँ से गाड़ी मिलता है, गाड़ी से हम लोग चलेंगे त्रिजुगी नारायण। और अभी मॉर्निंग के टाइम आप भीड़ से देख सकते हो केदारनाथ जाने के लिए कितना भीड़ है। ये देखिए, ये लाइन इधर से शुरू हुआ है। सोनप्रयाग में स्टे करने के लिए आपको कई सारे होटल लॉज मिलेगा, लेकिन आपको अगर होटल रूम में जगह ना मिले तो आपको 300 रुपये दे के डॉर्मेटरी रूम में स्टे करना है। केदारनाथ गौरीकुंड सोनप्रयाग से जो रास्ता सीतापुर होके हरिद्वार के लिए जाता है, वो रास्ते में आप सीधा आओगे सोनप्रयाग चेक पोस्ट से अप्रोक्स 200 मीटर आने के बाद एक रास्ता पहाड़ के ऊपर के साइड आए हैं, ये है वो रास्ता। इधर ही आके आपको शेयरिंग गाड़ी मिलेगा। ये शेयरिंग गाड़ी पर पर्सन 200 रुपये करके लेता है। ये 200 रुपये ऊपर लेके जाएगा, उधर आपका आधा घंटा हॉल्ट रहेगा, फिर आपको वापस नीचे इधर लेके आएगा। फिर यहाँ से आपको फिर नीचे जाके वो सीतापुर बस स्टैंड से आगे आपको थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा। फिर उधर से आपको गुप्तकाशी के लिए गाड़ी मिलेगा, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ के लिए भी गाड़ी मिल सकता है। ये शेयरिंग गाड़ी तब तक रवाना नहीं होते जब तक इसमें यात्री ना भर जाए। फाइनली हम 1 घंटा इंतजार करने के बाद त्रिजुगी नारायण के लिए रवाना हुए। सोनप्रयाग हाइट सी लेवल से अप्रोक्स 5,800 फीट एंड त्रिजुगी नारायण हाइट सी लेवल से अप्रोक्स 6,500 फीट। हम ऊंचे पहाड़ों के बीच संकरे सड़क से होते हुए त्रिजुगी नारायण के लिए आगे बढ़ने लगे। सोनप्रयाग से 45 मिनट पे हम पहुंचे त्रिजुगी नारायण विलेज। त्रिजुगी नारायण में नाइट स्टे करने के लिए आपको कई सारे होम स्टे मिल जाएगा। इधर उत्तराखंड गवर्नमेंट GNBN का रेस्ट हाउस है, आप चाहो तो वहां भी स्टे कर सकते हो। अभी हम लोग पहुंचे त्रिजुगी नारायण, जहां पे शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। एकदम मंदिर गेट के सामने हम लोग आ गए। देखिए, यह मंदिर एंट्री गेट। मंदिर रास्ते का दोनों साइड आपको कई सारे पूजा सामग्री दुकान मिल जाएगा, आप चाहो तो इधर 100 रुपीज़ दे के
मंदिर के अंदर पूजा देने के लिए माला, नारियल, फूल, प्रसाद ले सकते हो। किसने कहा था? हमने इधर पूजा देने के लिए 100 रुपीज दे के फूल, माला, नारियल परचेस किए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 2 मिनट का कमर्शियल ब्रेक। Reduce skin dark spot and even skin tone and brightness, glass skin glow. Then use Mamaearth Rice Water DOI Active Serum. Made with the goodness of rice water and 10% niacinamide. A MedSafe certified is toxin free and harmful chemical, making it safe for all skin type. इसमें है pure rice water जो आपका skin को brightness करके skin को glow करते हैं. And niacinamide reduce dark spot and even skin tone. Mamaearth Rice Water DOI Active Serum apply करना बहुत easy. Mamaearth Rice Water DOI Active Serum आप अपने finger या फिर palm में लेके पूरे फेस में, नेक एरिया में अप्लाई करना है। अपवर्ड सर्कल मोशन में आप ये अप्लाई करो। ये लाइट वेट फॉर्मूला क्विकली आपका स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगा। गुडनेस ऑफ प्योर राइस वाटर द सीरम डीपी हाइड्रेट योर स्किन एंड एड्स ए ग्लास स्किन ग्लो एंड 10% नियासिनामाइड टारगेट डार्क स्पॉट एंड पिगमेंटेशन रिजल्टिंग इन एन इवन स्किन टोन। हाइरेलोनिक एसिड ए पोटेंट हमेक्टेंट लॉक्स इन मॉइस्चर कीपिंग योर स्किन हाइड्रेट ऑल डे लॉन्ग। ए मेड सेफ सर्टिफाइड एंड सेफ फॉर एवरीडे यूज। Mamaearth Rice Water DOI Active Serum ए बॉटल एंड होने तक आप इसको यूज करो, आपको बेस्ट और इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। और भी इफेक्टिव रिजल्ट के लिए आप यूज करो Mamaearth Rice Water फेस वॉश, Mamaearth Rice Water DOI सनस्क्रीन। हैशटैग ग्लास स्किन चैलेंज। मैं लास्ट कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ, मेरा डार्क स्पॉट रिड्यूस हुआ है और मेरा स्किन पहले से ज्यादा ग्लास स्किन ग्लो हुआ है। इंडियन ब्रांड Mamaearth इज प्लास्टिक पॉजिटिव। एवरी मंथ Mamaearth 240 मिलियन टन प्लास्टिक रिसाइकिल करते हैं। जब Mamaearth प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे आपका ऑर्डर के साथ वेबसाइट का लिंक होगा और एक ट्री प्लांट होगा। ऐसे करके Mamaearth 2025 तक 1 मिलियन ट्री प्लांट करेगा। Mamaearth प्रोडक्ट ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart, Nykaa और Purplle। और अभी तो Mamaearth का प्रोडक्ट आप अपने घर के पास दुकान में जाके भी परचेस कर सकते हो। लेकिन Mamaearth प्रोडक्ट आप अगर Mamaearth के ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप से अगर परचेस करोगे और मेरा प्रोमो कोड Riders2024 यूज करोगे तो आपको हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। Mamaearth आपका बात सुनना चाहता है, आप Mamaearth प्रोडक्ट यूज करो और कमेंट में आप अपने फीडबैक दो। इनोवेशन फॉर बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट Mamaearth ऑल टाइम अपने प्रोडक्ट रिसर्च करके अपग्रेड करते हैं। आप चाहे तो ये मंदिर रास्ते का दुकानों से अपने घर के लिए कुछ गिफ्ट आइटम परचेस कर सकते हो। मंदिर एंट्री गेट से 200 मीटर डिस्टेंस पे आके आप दर्शन कर सकते हो त्रिजुकी नारायण के मेन मंदिर। मंदिर के अंदर श्रद्धालु दाई ओर से प्रवेश करते हैं। मंदिर में हवन पूजन करने के बाद श्रद्धालुओं का प्रस्थान रहेगा मंदिर के बाईं ओर से। मंदिर में शू रखने के लिए ऑफिशियली कोई शू स्टैंड नहीं है। आप जो दुकानों से मंदिर का प्रसाद परचेस करोगे उसी दुकान में आपको शू छोड़ के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। मंदिर के अंदर प्रवेश करके ही सामने ही आप दर्शन कर सकते हो ब्रह्मकुंड। श्रद्धालु ब्रह्मकुंड में स्नान करके या फिर आचमन करके मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। ब्रह्मकुंड के बाईं ओर आप दर्शन कर सकते हो त्रिजुकी नारायण पूजा स्थल। यही वो स्थान है जहाँ पे माँ पार्वती के साथ देवादित्य महादेव के विवाह हुआ था। अभी हम लोग इधर बैठ के पूजा करेंगे, पूजा के बाद हम लोग मंदिर के अंदर जाके दर्शन करेंगे। जिनका शादी हो गया है उन लोगों का इधर आके फिर से शादी होगा। मैं तो सिंगल हूँ, मैं इसे पूजा दूंगा। स्थान पे बैठे हैं, उस स्थान का नाम त्रिजुकी। जिनका ऑलरेडी विवाह हो गया है वो लोग के मंदिर में आके फिर से विवाह करते हैं। मंदिर के एक पंडित ब्राह्मण को लेकर विवाह वेदी में बैठ के हमने पूजा किया। पूजा हो जाने के बाद पंडित ब्राह्मण पति और पत्नियों को फिर से शादी करवाए। मंदिर में पूजा देने के लिए, विवाह करने के लिए पंडित ब्राह्मण का कोई फिक्स चार्जेस नहीं है। आप अपने हिसाब से 100-200 रुपए दान में दे सकते हो। मंदिर के चारों साइड आपको बहुत सारे देव देवी का मंदिर दिख जाएगा। भक्त लोग मेन मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद ये सब मंदिर में आके पूजा अर्चना करते हैं।
मंदिर के दाहिने ओर ब्रह्मकुंड के पास में ही है रुद्रकुंड। ब्रह्मकुंड में और रुद्रकुंड में श्रद्धालु स्नान आचमन करते हैं। रुद्रकुंड के एकदम सामने है विष्णु कुंड। कहते हैं विष्णु कुंड के जल प्रसाद के हिसाब से ग्रहण करने से मनुष्य का शरीर निरोग प्राप्त करते हैं। इसलिए मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालु विष्णु कुंड के जल अपने घर लेके जाते हैं। विष्णु कुंड के पास बैठ के श्रद्धालु भगवान श्री नारायण जी के पूजा अर्चना करते हैं। विष्णु कुंड के जस्ट पीछे है सरस्वती कुंड। जिनका माता पिता गुजर जाते हैं वो लोग सरस्वती कुंड में आके तर्पण करते हैं। मंदिर में हवन पूजन करने के बाद श्रद्धालु मंदिर के चारों साइड परिक्रमा करते हैं। मेन मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है। मंदिर के अंदर त्रेता युग से लेके आज तक एक हवन कुंड जलते हैं। कहते हैं ये हवन कुंड के चारों साइड शिव जी और पार्वती जी सात फेरे लिए थे। आज भी ये मंदिर में विवाह होने के बाद पति और पत्नी हवन कुंड के चारों साइड सात फेरे लेते हैं और ये हवन कुंड के रख अपने घर में ले जाते हैं। अभी आप वर्चुअली त्रिजुगी नारायण मंदिर के भगवान के दर्शन करो। ये मंदिर में नया शादी करने के लिए मिनिमम 51,000 रुपीस चार्जेस लगता है। ये 51,000 में 30 लोगों के लिए खाने का इंतजाम रहता है। मंदिर में शादी पूजा हो जाने के बाद मंदिर के ग्रंथ पुस्तिका में आप चाहो तो अपने पंजीकरण कर सकते हो। ये पंजीकरण करने के बाद आपके गांव से अगर कोई ये मंदिर में आएगा और उनका गांव का नेम और तहसील बोलने से उनका गांव से कौन सा डेट में कौन कौन ये मंदिर में विजिट किया था सब कुछ जानकारी एक ग्रंथों से मिलता है। यहाँ का पूजा पद्धति बहुत ही अच्छा लगा। जो पूजा यहाँ कराया जाता है वो बहुत मन को शांति देने वाला और अपने आप को संपूर्ण करने वाला एक पूजा है। हम लोग रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। हर हर महादेव। मंदिर में पूजा देने के बाद मंदिर एंट्री गेट के बाहर आपको कुछ दुकान मिल जाएगा। आप चाहो तो ये सब दुकानों से हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट लंच कर सकते हो। त्रिजुगी नारायण वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब से जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। आप लोग बहुत अच्छा रहिए, खुश रहिए आप लोग। नेक्स्ट ब्लॉग में हम त्रिजुगी नारायण से जाएंगे वर्ल्ड हाईएस्ट शिव टेम्पल तुंगनाथ।